नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविशंकर सिंह उर्फ आरवी। एक बार फिर आपके सामने अपनी कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा जस्ट एंटरटेनमेंट का, मोहित सर का, राजेश जी का और यहां हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए। 15 अगस्त अभी अभी गया है, बहुत सारी देशभक्ति की बातें हमने सुनी। आज 18 अगस्त है, सुभाष चंद्र बोस जी का उनकी पुण्यतिथि है, तो मुझे लगा ये आज अच्छा मौका है कुछ बातें, अपने दिल की बातों को यहाँ पे रखने का। अभी जो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, उसका आज की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये पंक्तियाँ इतिहास के पन्नों से हैं, कुछ 8-10 वर्ष पुरानी, जब हमारे देश में बहुत सारे स्कैम हो रहे थे, बहुत सारे घोटाले हो रहे थे। उस समय मेरे पास कोई मंच नहीं था, मैंने ये कविता लिखी थी। फिर उसके बाद एक दो वर्ष के बाद मुझे मौका मिला, मैंने 3-4 कवि गोष्ठियों में ये कविताएं सुनाई, लोगों को बहुत पसंद आई। मैंने सोचा आज आप लोगों के सामने भी लेकर आता हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है, हाँ आप ही सच्चे देशभक्त हैं। पसंद आई तो आप लोगों का प्रोत्साहन चाहूंगा। हाँ आप ही सच्चे देशभक्त हैं, हाँ आप ही सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि हमारा लहू पानी और आपका ही असली रक्त है, क्योंकि आप ही सच्चे देशभक्त हैं। आप भिखारी के कटोरे से भी रोटी छीन कर भग सकते हैं, अपने तरह तरह के स्कैमों से दुनिया को ठग सकते हैं, तब भी आपकी ही सल्तनत, आपका ही तख्त है, क्योंकि हाँ आप ही सच्चे देशभक्त हैं। आएगी चंद पंक्तियां हैं, जैसा कि मैंने बताया ये कविता 8-10 वर्ष पुरानी है, तो उस समय के सामाजिक पहलुओं को लेकर है कि आप इंद्र से भी कुशल शासक हैं, आप इंद्र से भी कुशल शासक हैं, आप भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक, सबसे बड़े उपासक हैं। इसीलिए अतिथि देवो भव की कथनी को आप ही पाल रहे हैं, अफजल गुरु जैसे न जाने कितने विशिष्ट अतिथि गणों को आज तक पाल रहे हैं। अगर उनकी सेवाएं पूर्ण हो चुकी हो तो सादर पूर्वक उन्हें विदा कर दीजिए। अरे क्या हुआ यदि उन लोगों ने बहाया आपके भाइयों का ही रक्त है, आप तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। देश में गरीबी रहती है, हमारे शासकों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। देश की 30% जनता भूखी सो रही है, भूख और गरीबी से बिलख बिलख कर रो रही है, लेकिन आपके घरों में 56 व्यंजनों का बंदोबस्त है, क्योंकि आप ही सच्चे देशभक्त हैं। कुछ और समस्याओं को उजागर करते हुए, एक राजनीतिक पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके महान अध्यक्ष थे, उनको लेकर के उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को हमारे देश का राष्ट्रीय दामाद बना दिया है कि वो कुछ भी करें तो कुछ गलत नहीं होता, कोई कुछ बोलता नहीं है। देश में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या हर वक्त है, देश में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या भी हर वक्त है। सुशासन प्रशासन के नाम पे आधे से अधिक कर्मचारी यहाँ भ्रष्ट हैं, फिर भी आप ही सच्चे देशभक्त हैं। आपको क्या सरोकार आम आदमी से। देश में कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी सेवा आती है, कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पे ही पड़ता है, सबसे पहले हम ही प्रभावित होते हैं। तो आपको क्या सरोकार आम आदमी से, आज आम आदमी ही त्रस्त है। पिस्ता तो कॉमन मैन है, आप तो विलासिता से आसक्त हैं, क्योंकि आप ही सच्चे देशभक्त हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ देश के लिए जियो, क्योंकि हमारा देश इस मामले में इतना सौभाग्यशाली है कि आज से ही नहीं, हजारों सालों से, चाहे वो शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाखों वीरों को हमने पैदा किया है इस देश ने, तो ये देश की मिट्टी कभी ये नहीं कहती कि तुम मुझ में मर जाओ। और ये आधुनिक काल में भी आप देखेंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा थे, मनोज पांडे थे, पुलवामा के शहीद थे, देश पे मरने के लिए बहुत लोग हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता
या आप सिर्फ देश के लिए जियो, लेकिन हो सके तो मानवता का खून तो मत पियो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ देश के लिए जियो, लेकिन हो सके तो मानवता का खून मत पियो। कम से कम ऐसा कुछ करो, कम से कम ऐसा कुछ करो कि आने वाली नस्लें ये ना कहें कि हमारे पूर्वज शैतान के उपासक, भ्रष्टाचार के भक्त हैं। हाँ, ये कहलाओ कि तुम ही सच्चे देशभक्त हो। ये आखिरी दो पंक्तियां हैं मित्रों, कि इसीलिए मेरे इस अनुरोध की भाषा, बड़ी सहज, संदेश थोड़ा सख्त है। कुछ कर्म ऐसे कर जाओ कि आने वाली नस्लें दिल से कहें, सच्चे दिल से कहें कि हाँ, आप ही सच्चे देशभक्त हैं। धन्यवाद।